राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो नफरत छोड़ो यात्रा और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान और सच्चाई की जीत कर्नाटका के देश के लोगों ने पूरे देश में साबित कर दिया है। कांग्रेस पार्टी अपनी सभी सीटों पर जीत कर कांग्रेस पार्टी फुल मेजॉरिटी में आकर फिर से दोबारा पूरे देश में अपनी एक नई सरकार बनाए। संकट मोचन हनुमान की जय। प्रवेशाई मैडम, प्रवेशाई जेडी भाजपा सरकार है सारे मैंने वादे कर दी कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ऐसे ऐसे झूठे वादे है कोई बेटी बचाओ कोई बेटी पढ़ाओ नहीं। आज जेडियां बेटियां जेडियां नारियां ने शिक्षा वन ते रोजी जेडी साढ़े 10 रुपये किलो साड़ा आटा हा जो अस 40 रुपये किलो लेके खा गए हैं ते ना कि कोई बिजनेस न ते ना कोई नौकरियां न। नौजवान जो टपका है जो नौजवान बच्चिया सारिया पढ़े लिखे मुंडे अज खजल हो करते और इस बीजेपी सरकार ने उनके मुंडे का नौकरिया भी छीनिया। दो भाजपा जो है झूठ बोलती है। 450 रुपए का सिलेंडर था जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, आज 1100-1200 तक सिलेंडर पहुंच गया है। तो जो सिलेंडर इन्होंने फ्री में लिए थे उसकी रिकवरी कर रहे हैं, वापस पैसा वापस ले रहे हैं। तो इनको कांग्रेस पार्टी ये देश की जनता को रोजगार देंगे। आज आप खुद बताओ किसको रोजगार मिल रहा है? ये मेरी बहन ने यहाँ पढ़ी लिखी, बताओ आपको रोजगार मिला है? नहीं। किसी को मिला है रोजगार? नहीं, नहीं। किसी को नौकरी मिली है? नहीं। ऑलरेडी जो कोविड से जिनकी कमर टूट चुकी थी उनको कोविड के बाद दोबारा उनकी कमर तोड़ दी गई। इसलिए मैं इतना ही कहूंगी, आप कर्नाटका ने बीजेपी को हराकर कांग्रेस को जिताकर पूरे देश में एक सेकुलरिज्म की मिसाल कायम की है और पूरे देश में परिवर्तन लाया है। कर्नाटका की जीत पे आज आप यहाँ पे जश्न मना रहे हैं, सारी महिलाएं कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठे हुए, इस पे क्या कहना है आपका? देखो, कर्नाटक की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की भारी मतों में जीत हुई है और कांग्रेस पार्टी ने फुल मेजॉरिटी में अपने बलबूते पे अपने दम पे उन्होंने सरकार बनाई है। इस जीत में कर्नाटक के सभी कार्यकर्ताओं नेताओं और ख़ास तौर पर कर्नाटक की जनता की मेहनत का और जनता की एकता अखंडता और भाईचारे को मजबूत करके पूरे देश में एक सेकुलरिज्म की मिसाल को कायम, जिस तरह से कर्नाटक की जनता ने एक काया पलट कर पूरे देश में मिसाल कायम की है, इसी तरह से हमारी कांग्रेस पार्टी पूरे देश के सूबों में पूरी पूरी कांग्रेस की सीटें निकाल कर एक बार फिर से वो पूरे देश में फुल मेजॉरिटी में अपनी सरकार बनाने जाएगी। हाई कमान को हमारी तरफ से बहुत 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 कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। राहुल गांधी।